अरे रोहिणी, तू भी बाजार सामान लेने आई है क्या? चल अच्छा है, तू भी अपनी दोनों बेटियों के लिए तैयारी कर रही है। तैयारी? कैसी तैयारी? मैं तो बस बाजार से सब्जी लेने आई थी। पर तू किस चीज की खरीदारी कर रही है? और इतना सारा सामान खरीद लिया, दोनों हाथ भर गए हैं। ओहो रोहिणी, तू भी ना, अरे आज पड़वा है, परसों करवा चौथ है, तो मुझे कल बेटी के घर सरगी लेकर जानी है ना। तेरी दोनों बेटे की तरह मेरी बेटी का भी तो पहली करवा चौथ है, और तुझे तो पता है कि पहली सरगी मायके से ही जाती है। देख, मैंने तो मछली, फल, सोलह श्रृंगार का सामान, साड़ी ले लिया। गहने तो घर पर है ही, मैंने पहले ही बनवा कर रख लिया था। पता है तुझे, मेरे तो 50,000 लग गए इसमें। इस हिसाब से तो तेरा 1 लाख लग जाएगा, पर मैं जानती हूँ कि तेरी हैसियत इतनी है नहीं। मेरा मतलब, दोनों बेटी को जितना कर सकती है बराबरी करियो। हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया, मैं भी सामान खरीद लेती हूँ, 2 ही दिन तो है मेरे पास भी। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, समधन के लिए मिठाई भी तो लेनी है। निर्मला के जाते ही रोहिणी के चेहरे की शिकन सामने आ जाती है। वह सरगी के लिए परेशान होकर घर लौट जाती है और अपने पल्लू के गांठ में पड़े पैसों को बिस्तर पर डालती है, और फिर बक्सा निकाल कर वह पैसे भी वहीं रखती है। 50-60 रुपए हुए, कम से कम मुझे दोनों बेटी की सरगी के लिए 500 रुपए तो चाहिए। गहने तो मैं दे नहीं पाऊंगी, सस्ती सस्ती 2 साड़ी रख देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, और पैसे ढूंढती हूँ, बस कहीं ना कहीं से मुझे पैसे मिल जाएं। रोहिणी दोबारा से अपनी झोपड़ी से हर एक कोने को टटोलती है, कपड़ों को, पोटली को और बक्सों को भी खोलकर पैसे ढूंढती है। जैसे तैसे उसके 500 रुपए पूरे हो जाते हैं। चलो अच्छा है, मेरे पैसे पूरे हो गए, कल मैं दोनों बेटियों के लिए सामान खरीद लूंगी। गरीब माँ अपनी हैसियत से एक सस्ती दुकान पर जाकर 2 साड़ी ले लेती है और बचे हुए 100 रुपए से दोनों बेटियों के लिए फल और मठरी श्रृंगार ले लेती है। चलो मेरी सरगी की टेंशन तो खत्म हुई, भगवान की दुआ से मेरे घर में मुझे इतने पैसे मिल गए कि मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए मायके से करवा चौथ की पहली सरगी तैयार कर दी। समझ नहीं आ रहा किसके घर जाऊं पहले, छोटी बेटी के घर चलती हूँ, उसका पहले पड़ेगा, फिर जाऊंगी श्रुति के पास। ये कहकर रोहिणी अपनी दोनों बेटियों के लिए सरगी का सामान लेकर घर से निकल जाती और छोटी बेटी शिवानी के बड़े से अमीर घर में पहुंचती है। सामान रख हाथ जोड़कर कहती है, अरे अवंतिका जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रोहिणी बहन, लेकिन आपकी हालत देख मुझे लग नहीं रहा कि आप ठीक हैं। शिवानी बहू देखो, तुम्हारी मम्मी आई है। नहीं नहीं अवंतिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बेटियां घर सूना करके चली गई हैं, तो माँ का तो ऐसे हाल में रहना लाजमी है। ये भी है, हमारा ये झूमर देखिए ना, हमने आज ही लगवाया है, ऐसा झूमर आपने कभी नहीं देखा होगा। जी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप तो जानती हैं सब कुछ, फिर क्या ही कहूँ। अरे शिवानी मेरी बच्ची, देख मैं तेरी पहली करवा चौथ के लिए सरगी लेकर आई हूँ, ये ले, तू तो जानती है पहली सरगी माँ की तरफ से ही आती है, पकड़। हाँ माँ, शिवानी जैसे ही सरगी का थाल पकड़कर उस पर से कपड़ा हटाती है तो देखती ही नाक सिकोड़ लेती है। ओहो माँ ये क्या है, इसे आप सरगी बोलती हैं क्या? मैंने सोचा था मेरी माँ मेरे पहले करवा चौथ पर बहुत अच्छी सरगी लाएगी, लेकिन आप 2 कौड़ी की साड़ी और ये 3-4 मठरी, 2-4 केले, सेब संतरे ले आई है। माँ आपने तो माँ जी के सामने मेरी बेइज्जती ही करवा दी है, और ये अजीब सी साड़ी तो मैं पहन नहीं सकती, गरीबों वाली, ये आप मेरी गरीब बहन को ही दे देना, और इसमें गहने भी नहीं है। बेटा तू इतनी उदास क्यों हो रही है? मैं तेरा पसंदीदा कलर लेकर आई हूँ साड़ी में, तुझे गुलाबी कलर बहुत पसंद है ना, मैं अपनी हैसियत से जितना कर सकती थी बेटा मैंने उतना किया। वही तो माँ, आपकी हैसियत ही नहीं है कि आप मेरे जैसी मेरी पसंद का अमीर वाला सामान लेकर आए सरगी में, कुछ भी मेरे पसंद का नहीं है, और ये क्या टुच्चा मुच्चा श्रृंगार का सामान लगाऊंगी क्या मैं? लैक्मे, हेवन, हुदा ब्यूटी, डाउर, शैनल, मैं इन सब का प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मुझे अपनी स्किन खराब नहीं करनी है ऐसी फालतू चीज लगाकर। मैं तो परेशान हो गई माँ आपकी इस हरकत से, अब मैं अपना पहला करवा चौथ बिना सरगी के कैसे करूंगी? शिवानी बहू तू परेशान मत हो, वैसे तो मुझे तेरी माँ के पास से सरगी आने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन चलो वो फिर भी ले आई, मैंने तब भी अपनी तरफ से तेरी सरगी का सामान जुटा लिया है। रामू काका पेश करो। अवंतिका के ताली बजाते ही 3 नौकर बड़े बड़े थाल में सरगी लाकर टेबल पर रोहिणी के सामने रखते हैं। पहले कपड़ा हटाने पर सुंदर सुंदर 3-4 सोने चांदी के गहने होते हैं, दूसरी थाल में ढेर सारे फल, मठरी, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और तीसरी थाल में करवा चौथ का जोड़ा होता है और ब्रांडेड 16 श्रृंगार का मेकअप होता है। वाह 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 माँ जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, अब तो मैं बहुत अच्छे से करवा चौथ का व्रत रखूंगी और सजूंगी भी, और आज पार्लर भी जाऊंगी, मेहंदी लगवाना है ना। ये देखो माँ,
मेरी माँ जी ने मेरे लिए कितनी अच्छी सरगी तैयार कर रखी है, आपको सीखना चाहिए इससे कुछ। अरे शिवानी बहु, इन्हें खुद नहीं पता कि उनकी बेटी अमीर घर में ब्याह करके आई है तो वैसी ही सरगी लेकर आए। खैर जितनी हैसियत होगी उतना ही तो कर पाएंगी ना। इतनी बेइज्जती सुन रोहिणी को अपने छोटेपन का बहुत एहसास होता है। अंदर से रोहिणी बहुत रो रही थी, तभी डबडबाई आंखों से हाथ जोड़कर कहती है, शिवानी बेटी मैं तुझसे मिलने आई थी, तुझे प्यार से सरगी देने आई थी, तूने तो मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। पानी पूछना तो बहुत दूर की बात है, तो अच्छे से समझती है कि तेरी माँ किन हालातों में रहती है। खैर अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। तेरे पहले करवा चौथ की तुझे बधाई हो, और तेरा सामान अब से तेरी सास ही बटोर लेगी बेटा, मेरी तो इतनी हैसियत है नहीं कि इतना दूँ। ये कहकर रोते हुए रोहिणी अपनी दूसरी बेटी का सरगी का सामान उठाकर उसके घर की तरफ बढ़ती है और मन में बहुत ख्यालों को लेकर चलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, मेरी एक बेटी ने तो मेरे साथ ऐसा किया। सरगी देने पर डर लग रहा है कहीं श्रुति भी सरगी को लेने से मना ना कर दे। और रोहिणी अपनी गरीब बेटी के ससुराल भी पहुंच जाती है, जहां समधन को नमस्ते कर श्रुति अपनी माँ के गले लगाती है। माँ आप अचानक से, मुझे बहुत अच्छा लगा माँ आप आई, लेकिन किस लिए? अरे तू भूल गई, कल करवा चौथ है, मैं तेरी सरगी का सामान लाई हूँ, ये ले। श्रुति मेरी हैसियत ज्यादा ऊंची नहीं है तो उसी हिसाब से सामान लाई हूँ। अच्छा जरा मैं भी तो देखूं मेरी माँ क्या लाई है। अरे वाह माँ, ये तो मेरे पसंदीदा कलर की साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी माँ। और ये फल मटरी श्रृंगार का सामान, ये सब मेरे लिए है माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा ये सब तेरे लिए है, तुझे अच्छा तो लगा ना। माँ मेरे चेहरे की खुशी आपको जाहिर नहीं कर रही है क्या, तो माँ जी से पूछ लीजिए। हाँ समधन जी मेरी बहू कितनी खुश हो गई, आप सच में बहुत प्यारी सरगी लाई हैं। खड़ी क्यों हैं आप, बैठ जाइए ना। हाँ माँ बैठो ना, रुको मैं आपके लिए भी शरबत बनाकर लाती हूँ, दो नींबू तो हैं ही घर में। श्रुति अपनी माँ के साथ सास को भी शरबत बनाकर देती है और अपनी माँ की बहुत आवभगत कर ढेर सारी बातें करती है, जिसमें रात गुजर जाती है। दामाद भी अपनी सास को अपने हाथ से मिठाई खिलाता है। अरे मैं तो श्रुति तुमसे शादी करके बेहद खुश हूँ, अब देखो मेरे पास दो दो माँ है, कितनी प्यारी। और मेरे पास भी बहुत टाइम हो गया, चलो अब मैं निकलती हूँ, कल मेरी बेटी की पहली करवा चौथ भी तो है, तुझे करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं मेरी बच्ची, तुम दोनों सदा खुश रहो। माँ कितनी रात हो गई है, आप यहीं रुक जाओ ना मेरी पहली करवा चौथ पर, वैसे भी कितने समय बाद तो मैं आपसे मिली हूँ। माँ जी कहिए ना। हाँ समधन जी अपनी बेटी के लिए रुक जाइए ना। ठीक है आप सब कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। अपनी गरीब बेटी के ससुराल का प्यार देख रोहिणी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे अपनी अमीर बेटी और गरीब बेटी का फर्क साफ साफ नजर आ जाता है कि कैसे शिवानी ने उसकी सरगी को अस्वीकार कर इज्जत उतार देती है। माँ आप रो क्यों रही हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं बेटा कोई गलती नहीं हुई है तुझसे, वो तो बस शिवानी के कारण ये आंसू बाहर आ गए। सच में तुझमें और उसमें बहुत फर्क है, ये तो मैं सरगी देते वक्त समझ गई थी। फिर श्रुति के कहने पर रोहिणी उसे शिवानी और उसकी सास के बारे में बताती है। ये सुन श्रुति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अपनी माँ को हंसाने के लिए चुटकुले सुनाने लगती है और अगले दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाकर अपनी माँ और सास का आशीर्वाद देती है। पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रख पति के हाथों से करवा चौथ का व्रत खोलती है। देखा दोस्तों आपने, एक बार फिर ये साबित हुआ कि अमीर लोग अपने पैसों के चलते गरीब लोगों को और उनके प्यार को कुछ नहीं समझते, जैसा कि शिवानी अपनी माँ के साथ करती है। आखिर क्यों लोगों को पैसे का घमंड इतना ज्यादा हो जाता है और पैसे के आते ही लोग इतना बदल क्यों जाते हैं? क्या पैसा इतना जरूरी है हमारे अपनों से भी ज्यादा? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में, और हमारी ऐसे ही दिलचस्प कहानी देखते रहें।